हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम भृंगराज ऑयल बनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक आयुर्वेदिक तेल है, ये हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर कर हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये हमारे रूखे सूखे बेजान बालों को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर भी बनाता है। ये हमारे डैंड्रफ और खुजली की समस्या को तो दूर करता ही है, और साथ ही जिन लोगों के स्कैल्प पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन भी है उसे भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, ये हमारे बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और हमारे बालों को एकदम काला बनाए रखता है। तो आइए इस मैजिकल हेयर ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। भृंगराज ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये भृंगराज पाउडर चाहिए होगा। ये आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने भृंगराज पाउडर लिया है, पर अगर आपको पाउडर की जगह भृंगराज फ्रेश लीव्स मिल जाएं तो आप उन्हें सुखाकर भी इसका ऑयल बना सकते हैं। पर क्योंकि भृंगराज लीव्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैं ऑयल बनाने के लिए भृंगराज पाउडर का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये एक कप नारियल का तेल डालेंगे। आप चाहें तो नारियल तेल की जगह सरसों का तेल या फिर जैतून के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यह मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे नारियल के तेल में ही बनाएं, क्योंकि नारियल का तेल हमारे बालों को डीप मॉइस्चराइज करता है और साथ ही हमारे डैमेज बालों को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 3 चम्मच भृंगराज पाउडर ऐड करेंगे। और इसे तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम ये सारा प्रोसेस एकदम लो मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो जो हमारा पाउडर है वो जल जाएगा और इसके बेनिफिट्स तेल में बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इस तेल को बनाएं तो एकदम लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं। भृंगराज हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिससे हमारे बाल दुगनी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे गंजेपन की समस्या को दूर करता है, साथ ही हमारे बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। प्लस इससे हमारे बाल बहुत ही काले, लंबे और मजबूत हो जाते हैं। तो यह मैंने पाउडर को तेल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे ताकि भृंगराज पाउडर की सारी गुडनेस तेल में अच्छे से आ जाए। तो यह मैंने लगभग 5 मिनट तेल को अच्छे से पका लिया है। तो इस तेल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें ये 1/4 कप कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए तेल को 2-3 मिनट और पका लेंगे। कैस्टर ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। ये हमारे बालों के टेक्सचर को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर बनाता है, और साथ ही हमारे स्प्लिट एंड्स को भी क्योर करता है। तो यहाँ मैंने तेल को 2-3 मिनट और अच्छे से पका लिया है, और आप देखिए कि तेल का कलर भी चेंज हो गया है और भृंगराज की सारी गुडनेस तेल में अच्छे से आ गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे, और उसके बाद हम इसे छानेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि हमारा तेल भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो नेक्स्ट, अब हम एक क्लीन बोल लेंगे और इसके ऊपर कोई भी कॉटन या फिर मुस्लिन का कपड़ा बिछा लेंगे, और तेल को किसी भी मुस्लिन या फिर कॉटन के कपड़े में छान लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे किसी बारीक छन्नी में भी छान सकते हैं। पर क्योंकि इसे बनाने के लिए हमने यह पाउडर का यूज़ करा है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो आप भी इसे किसी बारीक कपड़े में ही छानें। तो यहाँ आप देखिए, मैंने तेल को छान कर बोल में अलग निकाल लिया है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक कांच का एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें तेल को स्टोर करेंगे। आप इस तेल को 6 महीने तक रूम टेम्परेचर पर रखकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली, जब भी आप लोगों को अपने बालों को वॉश करना हो तो उससे लगभग 1 घंटे पहले आप इसे अपने बालों में 15 मिनट अच्छे से मसाज कर लें, और इसे अपने बालों में 1 घंटे के लिए लगा छोड़ दें, और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। पर अगर आप इस ऑयल के और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे अपने बालों में ओवरनाइट लगा कर रखें और नेक्स्ट डे अपने बालों को वॉश कर लें, और इसे आप हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें। और ट्रस्ट मी गाइस, इसके रेगुलर यूज़ से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके बालों का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर हो जाएगा, आपके डैंड्रफ और खुजली की समस्या दूर हो जाएगी, आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो आप भी इस मैजिकल आयुर्वेदिक ऑयल को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है।
तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।